जो लोग बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करते आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूं मैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मासी एंटरटेनमेंट क्या होता है, वो बताने वाली दिखाने वाली एक फिल्म आ गई है। और असली स्वैगर कौन है ये देखने के लिए हमें एक किरदार मिल गया है, और ये फिल्म है पुष्पा और किरदार है अल्लू अर्जुन। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज रिलीज हुई है, हिंदी डब में मैंने ये फिल्म देखी है, मैं आपसे बात करूंगी इसके बारे में। इसमें अल्लू अर्जुन, ये बहुत दिनों से इस फिल्म का इंतजार हो रहा था, वो चंदन तस्कर की भूमिका में नजर आए हैं। वो एक मजदूर से लेकर के सिंडिकेट के, स्मगलिंग सिंडिकेट के अहम पद पर कैसे पहुंचते हैं, उसमें उनका एटीट्यूड, उनकी बेक ऑफ जो आदत होता है वो, और किससे डरते नहीं, झुकते नहीं, और उनका स्वैग, ओ माय गॉड, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। कहानी में तीन ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक है सिंडिकेट का, स्मगलिंग का, जो चंदन, जिसे लाल सोना कहा जाता है, जो जमीन पर उगता है, करोड़ों में उसकी कीमत है, कैसे वो निकलता है, कहां तक पहुंचता है, वो पूरी कहानी है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। दूसरा ट्रैक अल्लू अर्जुन की फैमिली का ट्रैक है, अल्लू अर्जुन क्यों ऐसा इंसान है, उसके अंदर क्या कोई कॉम्प्लेक्सेस है। तीसरा ट्रैक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना की स्टोरी का है, ऑकवर्ड लव स्टोरी है, जहां एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग फनी नजर आएगी आपको स्टोरी। हाँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री मिसिंग लगेगी, क्योंकि फिल्म की कहानी भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा ऑकवर्डनेस और फनीनेस ज्यादा है बजाय केमिस्ट्री के, मगर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म का जो बीच वाला ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है अल्लू अर्जुन की फैमिली का बैकग्राउंड का ट्रैक, वो ट्रैक बहुत इमोशनल करता है आपको, काफी बार आपकी आंखों में आंसू आते हैं, स्पेशली जब उनके बचपन का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहां उनकी माँ को और उनको, उनके हाफ फैमिली जो होती है, उनके हाफ ब्रदर की फैमिली जो होती है, वो लोग बहुत परेशान करते हैं। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़ा है फिल्म में। एक चीज, फिल्म 3 घंटे के, इसको लेकर के बहुत फिल्म को बुरा भला कहा जा रहा है कि 3 घंटा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि फहाद फासल जो इंस्पेक्टर भैरव सिंह शेखावत, इंस्पेक्टर शेखावत की भूमिका में जो है, उनको फिल्म के आखिरी हिस्से में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर उनको इंटरवल के बाद वो आते, जब वो और अल्लू अर्जुन सामने खड़े होते, तो 1-on-1 की सिचुएशन नजर आती है, वो वैसे ही अकड़ू हैं, वैसे ही जिद्दी हैं, वैसे ही ना झुकने वाले प्रवृत्ति के हैं। अगर वो सेकेंड हाफ शुरू होते ही इंटरवल के बाद इंट्रोड्यूस हो जाते, तो फिल्म का लेंथ थोड़ा कम हो सकता था, साथ ही साथ थोड़े और रोमांचक सीन्स मिल सकते थे, उनका इम्पैक्ट थोड़ा मुझे कम लगा, क्योंकि तब तक दर्शकों के दिमाग में स्टोरी बन चुकी थी और काफी देर बाद आए। पर लेकिन अल्लू अर्जुन को देख करके, मतलब उनकी एक स्टाइल है, उनका जैसे वो पर्दे पर आते हैं, काफी सारे सीन्स में तालियां सीटियां बजी हैं, और जहां हिंदी फिल्में तरस रही हैं कि थिएटर भरे हुए हों, पूरा थिएटर भरा हुआ था। जिस थिएटर मैंने फिल्म देखी, प्रेस शो मैं नहीं देख पाई, पूरा थिएटर भरा हुआ था और लोग लगातार तालियां और सीटियां बजाते, ऐसे लगा था बहुत दिनों के तरसे हुए हैं और अब उनको ये फिल्म देखने मिल रही है। अल्लू अर्जुन वाकई स्वैगर है, वो अगर मैं कहूं सच में नेशनल स्टार है, जिस तरह से उनको एक साउथ के लोग पसंद करते हैं, अब धीरे धीरे वो पकड़ जो है, वो रीच जो है, पूरे देश में फैल गई है, क्योंकि वाकई ऐसा स्टार, ऐसा मासी एंटरटेनिंग स्टार बनना बहुत मुश्किल है। उसके एक एक एक्शन में, उसके अवतार में, उसके चलने में, उसके देखने में, जो एक एक सीन, उसका किरदार हमेशा एक ये वाला कंधा ऐसे करने वाला, उसका क्यों उसकी पर्सनैलिटी में आता है, उसकी एक छोटी स्टोरी और न्यूएंसेस बहुत अच्छा लगता है वो। रश्मिका मंडाना थोड़ी सी फीकी नजर आई है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ओवर पावर कर रहे हैं पूरी फिल्म को, बाकी किरदार जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं, उनके नाम लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे किरदार हैं, जो 3 भाई हैं जिनके सिंडिकेट में वो काम करते हैं, वो तीनों बहुत आउटस्टैंडिंग है। शीनू जो बड़ा स्मगलर है, उसका रोल बहुत इंप्रेसिंग है, इंस्पेक्टर के बारे में मैंने बात की। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की माता की भूमिका निभाई है, और स्पेशली शीनू की बीवी की भूमिका अनुसुईया ने निभाई है, वो तो माय गॉड बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे सीन्स हैं उनके, मगर शायद अगली फिल्म होगी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग उनका रोल होगा, किरदार होगा। जी हाँ, फिल्म पार्ट 2 में आएगी, जहां पुष्पा द राइज के बाद पुष्पा द रूल आएगी, और उस कहानी में ये जो इंस्पेक्टर वाला इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ शुरू हुआ है, उसका अंजाम वहां तक होगा, वहां उनकी प्रेम कहानी भी आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग फिल्म नजर आई, और मैंने इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, मतलब लगातार मुझको, हालांकि फिल्म का विषय गंभीर है, लेकिन उसके पंचेज, उसका स्टाइल, उसका जो फिल्म का जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, जैसे कुमार का, चाहे देवी सिद्ध प्रसाद का म्यूजिक है, सब
ऑन पॉइंट है, गानों में आपको बहुत मजा आएगा। हालांकि हिंदी म्यूजिक उतना हिट नहीं हुआ जितना तेलुगु म्यूजिक हुआ है, लेकिन फिर भी आपको देखने में बहुत मजा आएगा। मैं इस फिल्म को दूंगी 5 में से पूरे 4.5 स्टार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी और मुझे लगा कि इस फिल्म का कोई भी कितना भी हिस्सा मैं बार बार भी देख सकती हूँ, क्योंकि फिल्म वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। आपको रिव्यू कैसा लगा वो भी जरूर बताइए। बने रहे हमारे साथ लगातार।